नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सोमवार को यूपी, उत्तराखंड और गोवा में मतदान। यूपी में आज दूसरे चरण का मतदान। तीनों राज्यों में जीत के लिए सियासी संग्राम और राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कोरोना की रफ्तार अब देश में थमती जा रही है। 24 घंटे में देश में 34,113 नए मामले आए, जबकि 346 लोगों की मौत हुई। रविवार को कोरोना के 44,877 नए मामले सामने आए। कुल मामले बढ़कर 4,26,31,421 हो गए, जबकि 684 लोगों की मौत हुई। 10 टीमों ने 551 करोड़ रुपए में 204 खिलाड़ी खरीदे। दो दिनों में 204 खिलाड़ियों की नीलामी हुई। ईशान किशन सबसे महंगे बिके। सुरेश रैना को नहीं मिला कोई खरीदार। वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महाकवरेज। चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर सिर्फ वेब दुनिया के साथ। LIC ने IPO के लिए SEBI में दाखिल किए ड्राफ्ट पेपर्स। 5% इक्विटी बेचने की दी जानकारी। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपए में खरीदा। मुंबई ने अर्जुन के लिए पहले बोली लगाई। गुजरात टाइटंस ने भी हाथ आजमाया, लेकिन अर्जुन के लिए आखिरी बोली मुंबई की ही रही। पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच राधास्वामी व्यास डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मिले PM मोदी। PM ने मुलाकात का फोटो किया ट्वीट। हिजाब विवाद के बीच AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। ट्विटर पर हिजाब विवाद को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया। पंजाब में प्रियंका गांधी का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना। कहा उनकी सरकार दिल्ली से BJP चला रही थी। BSP ने जारी की प्रत्याशियों की एक और सूची। 47 प्रत्याशियों के नाम। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ शादबा फातिमा मैदान में। पंजाब चुनाव में मुख्यमंत्री चन्नी का वादा। अगर सरकार बनी तो हर साल 8 फ्री गैस सिलेंडर। जरूरतमंद महिलाओं को हर माह देंगे 1100 रुपए। यह थे फटाफट बुलेटिन। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।